पर दुर्ग से है, जहां मंगलवार को डेंगू के 16 मामले सामने आने के बाद निगम और हेल्थ टीम अलर्ट मोड पर है। तो वहीं डेंगू की चपेट में बीएसएफ के 5 जवान भी आ गए हैं। अब तक डेंगू संक्रमितों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है। तो दूसरी तरफ सेक्टर 2 में ही डेंगू के अधिक मरीज मिलने के बाद महापौर नीरज पाल ने वार्डों का भ्रमण किया, साथ ही लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया। हम भिलाई सेक्टर 2 में खड़े हैं और ये वही क्षेत्र है जहां डेंगू ने अपना पूरा पैर जो है पूरे तरीके से पसार चुका है और यही वो क्षेत्र है जो भी हॉटस्पॉट बना हुआ है, क्योंकि कल ही यहां पे 16 मरीज मिले हैं। और भिलाई में आपको बता दूं कि जो मरीजों की संख्या है पूरी तरीके से 42 हो चुकी है। वहां पर जी कल ही 16 मरीज मिले हैं और काफी चिंताजनक विषय है। देखिए, आज इसी सड़क में 3 लोगों के यहाँ तो अभी हम लोग होके आए हैं और ये समस्या सब वही है। लोगों ने ऊपर सिंटेक्स टंकियां बनाई हैं, बरसों से साफ नहीं की है। अभी हमारे निगम के लोग जो ऊपर सड़के देख रहे हैं उसमें भी लार्वा मिल रहे हैं, जो जिस पानी को वो लोग पीते हैं उस पानी की टंकी को इन्होंने साफ नहीं किया। जो सिंटेक्स बोले हैं प्लास्टिक की दूसरी टंकियां उसी का पानी पीते हैं। अब उसके अंदर लार्वा है तो उससे प्रभावित होना स्वाभाविक बात है। इसको हम लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं पे भी इस टाइप का लार्वा ना हो। चाहे पुरानी टंकियां, अगर मान लो दूसरी कोई पुरानी टंकी या कोई और सामान पड़ा जिसमें पानी जमा हो रहा है छत पे या आंगन में, उसको हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। उसमें हम लोग लगातार रात और दिन दवाई निगम बांट रहा है, इनको पानी पीने के लिए क्लोरीन टेबलेट दे रहा है, एमिफॉस दे रहा है, सारी दवाइयां दे रहा है। मलेरिया के लिए मेलाथाइन ऑयल हम लोग छिड़काव कर रहे हैं, गली में जो पानी जमा रहा है उसके लिए छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।